कितना सही है ना देखिए सर, आपने जो नीचे मोटी मोटी दीवारें देखी थी हॉलो वॉल्स, हम उन्हीं खोखली दीवारों के अंदर है, इनसाइड द हॉलो वॉल्स। ये पूरा वेंटिलेशन और लाइट का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन जो अनसपोर्टेड रूफ है ना उसका वेट तो डिस्ट्रीब्यूट किया अनसपोर्टेड रिफ्लेक्स मार रहा है। यहाँ वन स्टेप डाउन है, फिर वन स्टेप अप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर ज्यादा आवाज गूंजेगी तो लोग जो बैठे होंगे इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इतनी मेहनत से बनाया गया, इनका मेन मकसद है इको एब्जॉर्ब करना, इको इफेक्ट इको बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बस इको इफेक्ट को मिनिमाइज करना, कम करना। अगर आप आगरा गए हो, अकबर का टूम देखा हो, तो वहाँ पर आप अब अकबर के टूम में अगर जाते हैं आगरा में, तो वहाँ एक आदमी बैठा रहता है, उसका इनकम के लिए कोई बाहर वाला घूमने आता है, तो उसके सामने जोर से आवाज़ अपना उसकी वहाँ पे आवाज़ कई बार रिमाउंड होती है, गूंजती है, क्योंकि वहाँ प्लेयर वहाँ पर ये इतना ज़्यादा एको यहाँ भी होता है, लेकिन इसकी वजह से एको के फिर कम हो जाती है। खैर फिर भी आप यहाँ यहाँ ही रुकिएगा, मैं वहाँ जाकर शाम करता हूँ। आओ इधर आ जाओ यार, बैठ जाओ, क्या ज़्यादा है।
ये सिक्योरिटी सिस्टम था, वहाँ से आने वाला आपको नहीं देख पाएगा, बट यू कैन सी बिकॉज यू आर इन डार्क। सबसे बड़ी बात उस टाइम पे अलाइनमेंट, मेजरमेंट, ऑल अलाइनमेंट इन स्ट्रेट लाइन। अब देखा क्या इधर आते जाइएगा, तो यहाँ पे इधर चलना है, आप बढ़िया बेटा। अब यहाँ देखिए मेन रोड दिखाई दे रहा है जहाँ से हम लोग आए थे, ये सिक्योरिटी सिस्टम है। यू आर आप लोग अंधेरे में हैं, वहाँ से आने वाला आपको नहीं देख पाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उस टाइम का मेजरमेंट सिस्टम, सारे अलाइनमेंट देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। आप वहाँ वाली आर्ट से भी देखेंगे तो भी आपको पूरा गेट बाहर तक का दिखाई देगा। वन स्टेप अप है, रोशनी में डार्क में चलते हैं। और ये यहाँ लाइट में अगेन ये टू स्टेप डाउन। अपने जो आप इधर आ जाइए,
आपने जो नीचे तीन हॉल देखे थे, दो छोटे हॉल एक बड़ा हॉल, एक छोटे हॉल की रूफ डोम यहाँ कंप्लीट हो रही है, उसी तरफ भी हॉल की आप उधर देखिएगा। अब इसका वेट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आए नीचे से ही, क्योंकि किसमें कोई उस टाइम सीमेंट था नहीं, कोई जो मसाला यूज़ किया था लाइम मोर्टार, जितनी भी वॉल्स निकल रही है, देखिए ये दीवारें कितनी भी दीवार ये चारों तरफ से सारी वॉल्स इस रूफ के अंदर से आ रही हैं, सारी वॉल्स का एक पार्ट रूफ के अंदर है, जैसे ये रूफ के वेट को बाहर स्ट्रेच कर रहे हैं, सारी दीवारें अंदर से बाहर आ रही हैं, वेट को बाहर खींच रही हैं चारों तरफ, वेट को बाहर खींचा आर्चेज में बांटा, ये नीचे से करते हुए आए हैं और इन पिलर्स के जरिए वेट को नीचे वापस भेज दिया, इसमें वेट को बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चाहे स्मॉल हॉल हो या बिग हॉल हो, इसीलिए इसमें कोई बीच में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अनसपोर्टेड रूफ है, अनसपोर्टेड हॉल। ये बिग हॉल है, उसकी रूफ रखी, ये बिग हॉल की रूफ है, ये जितनी दीवारें निकल रही हैं सब छत के अंदर से ही बाहर आ रही है, वेट को बाहर खींच करके आर्च में वेट को बांटा और उसको नीचे वापस ले लिया। भूल भुलैया में हिला गया होगा, जो इनको बनाने वाले वो भी मुगल वंश से, नहीं मुगल वंश से कोई मतलब, लेकिन हाँ सब मुगलों के इन्फ्लुएंस से पूरी जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, 100 करोड़ है, उसको काम कर रहे थे, पूरी वाइट कलर की और नाम चेंज करने वाला ये है कि यहाँ से स्टूडेंट जा रहा है उसको छत्रपति साहू जी के नाम की डिग्री मिलती है, कहीं अप्लाई करेगा तो उसको पहले पूरा एक्सप्लेनेशन दे के नहीं वो बड़ा मतलब पड़ा है, इसके लिए अच्छी रैंक का मेडिकल कॉलेज है, इंटरनेशनल रैंक का है, तो बड़ा दिक्कत यहाँ के लोगों ने चाहते थे नाम चेंज किया, और वर्ल्ड में फेमस एक ही नाम है, बिल्डिंग
अब हम लोग ये जो 84 स्टेप्स थी ना, हम लोग 45 के अंदर घुसे थे, अभी जाए 84 से पीछे कर लीजिए। हम रूप में आ जाते, हम 45 के अंदर घुसे।